विजुअल्स हमारे लिए सामने थे। एक तो हमारे जो सीआरपीएफ के तीन जवान जो खून में लथपथ थे उनको उठाना, और उसके बाद जो है वहां पर एक सिविलियन जो है वो भी जख्मी था, उसको भी गोली लग चुकी थी। और उस सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है, और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफी फायरिंग वहां से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइड पे जो सामने की मस्जिद उसके ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया उसी वजह से सारे लोग जख्मी हुए, उसमें से हमारा एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो शहीद हुआ बाद में, वो जख्मी की तापना ला के जहां बाघ हो गया। तो ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहां से उठाया जाए, तो हमने अपनी गाड़ियां सारी लगा के जो बीपी गाड़ियां हमारे पास थी उस वक्त सीआरपीएफ की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था तो उस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमने हमारा काफी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहां से उठा के हमने इसको दिया। तो इसको एक्चुअली क्या, ये अपने नाना के साथ जो है जा रहा था हंदवाड़ा, इसके नाना सुबह निकले थे, इनको हंदवाड़ा जो हमारी इस्लाह के मुताबिक हंदवाड़ा से इसको एक अपने किसी हेल्पर को लाना था वहां पे। जब यहां पहुंचा तो सामने से जब फायर हुआ, हमारा सीआरपीएफ की पार्टी अभी तैनात हो रही थी उसी डायरेक्शन में, बिल्कुल एक सामने साथ साथ जो है तीन सीआरपीएफ के जवान हमारे वो गिरे पड़े थे, और ये सिविलियन भी वहीं पे, जो अपोजिट साइड से गाड़ियां आ रही थी वहां पर उस वक्त हंदवाड़ा से कपवाड़ा से, उनमें से ना कोई जख्मी हुआ है, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत से लोगों ने वहां गाड़ियां छोड़ के जो है सेफर लोकेशन पे उस वक्त कोशिश की है कि हम किसी तरीके से फायर से बच के सेफर लोकेशन में। बाद में हमने बहुत सारे लोगों को दुकानों के अंदर से भी निकाला, उनने कहा जनाब जैसा फायर हुआ हम अपोजिट साइड से जो जहां से फायर आया है उसकी तरफ से कोई जख्मी नहीं, आपने देखा होगा।